मेरे अभिन्न मित्रों और शुभचिंतकों, आज रिद्धि सिद्धि प्रवाह में मैं आपके सामने एक कवि के रूप में उपस्थित हूँ। ये कविता लगभग 2 वर्ष पुरानी है। कविता का शीर्षक है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अभियान चल रहा था देश में। केंद्रीय विद्यालय बबीना के प्राचार्य श्री राकेश चंद शर्मा ने, जिनका बड़ा स्नेह मुझे मिला, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा अभी 1 घंटे बाद आज कार्यक्रम का समापन है, मैं चाहता हूँ इस बार एक कविता आप स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर प्रस्तुत करें। साथियों, मात्र 40 मिनट में बैठकर मैंने वो कविता लिखी और उसे प्रस्तुत की थी। कुछ लोगों ने कहीं सुनी भी होगी उसे। मैं आज वही कविता समय को देखते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कविता देखें आप, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। आज राष्ट्र अस्वस्थ हो रहा, मानव जीवन अस्त हो रहा, चारों तरफ निराशा फैली, दुख से जन जन त्रस्त हो रहा। बच्चे से बूढ़े तक देखो, बच्चे से बूढ़े तक देखो, बीमारी ने घेर लिया है सारा धन औषधियों ने ही, और सारा धन औषधियों ने ही कोल्हू बनकर पेर लिया है। वातावरण स्वस्थ हो, वातावरण स्वस्थ हो, एक तो जीवन चंदन बन जाएगा, स्वच्छ रहो तो जीवन सुखमय बन जाएगा। कविता का दूसरा चरण देखते हैं। इस धरती की यह परंपरा सदियों से भी अधिक पुरानी, क्या, अरे प्रातः उठते ही सफाई का पाठ सिखाती दादी नानी। यदि गंदगी समीप रही तो स्वस्थ कभी ना रह पाओगे, पर्व सिखाते पवित्रता को सबके मन को भा जाओगे। नित्य कर्म स्नान और पूजा है सफाई के नुक्ते सारे, करो परिश्रम मिले सफलता, चमकोगे जैसे ध्रुव तारे। मोदी जी का है ये नारा। साथियों, कविता को किसी राजनीति मत ले जाइएगा, किसी दल विशेष पर मत ले जाइएगा। कवि सबका होता है, कवि के सब होते हैं। मोदी जी का है ये नारा, स्वस्थ स्वच्छ हो देश हमारा, तभी विश्व गुरु का अतीत यह सोने की असली चिड़िया बन सदा तिरंगा फहराएगा, स्वच्छ रहे तो जीवन सुखमय बन जाएगा। हुआ क्या, प्रभाव पड़ा, चारों तरफ सफाई शुरू हुई, मगर कुछ कमियां आई, और वो कमियां क्या थी, मैंने अगली पंक्ति में उसको लाने का प्रयास किया। अरे मोदी जी की बात मानकर, स्वयं सभी का लाभ जानकर, घर तो स्वच्छ कर लिया हमने और अपना कूड़ा उठाकर बाहर फेंक दिया। मैंने वही प्रयास किया है कि मोदी जी की बात मानकर, स्वयं सभी का लाभ जानकर, अरे घर तो स्वच्छ कर लिया हमने, किंतु यदि पड़ोस भी स्वच्छ कर लिया तो जो भारत उपवन जैसा है, सुरभित नंदन बन जाएगा, स्वच्छ रहे तो जीवन सुखमय बन जाएगा। आओ आज शपथ ले लें हम, आवश्यकता है, आओ आज शपथ ले लें हम, कुछ दिन प्रतिपल श्रम कर लें हम, दूर भगा दें वो गंदगी जिसने शांति हमारी छीनी, दूर भगा दें वो गंदगी जिसने शांति हमारी छीनी। अरे स्वस्थ सुखद और स्वच्छ हमारा अपना क्षेत्र बनाना होगा, और इस गंदे फैले रावण को इस समाज से जाना होगा। पुनः दूंगा, अपना क्षेत्र बनाना होगा, इस गंदे फैले रावण को इस समाज से जाना होगा। इसके लिए मैंने संकल्प लिया है और आपका सहयोग कि अरे नहीं असंभव कुछ भी प्यारे, नहीं असंभव कुछ भी प्यारे, जो हम चाहें वह हो जाए। अरे अंग्रेजों को भगा दिया जब क्यों न गंदगी आज भगाएं, और जिस दिन गंदगी चली जाएगी तब भारत इस वसुंधरा का सत सत वंदन बन जाएगा, स्वच्छ रहे तो सुखमय जीवन बन जाएगा, स्वच्छ रहे तो सुखमय जीवन बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।